मध्य प्रदेश के गोगांव में पुलिस को मिला महुआ कच्ची शराब का जखीरा। 5 ट्यूबों में भरी अवैध महुआ कच्ची शराब की जब्त। गोगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहजला के समीप नाले में कच्ची शराब महुआ बनाए जाने की जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गोगांव पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां नाले में 5 ट्यूबों में भरी अवैध महुआ कच्ची शराब और वहां पड़ी सामग्री को मौके पर पंचनामा बनाकर अपने कब्जे में लिया है। शराब से भरे ट्यूब एवं खाली ड्रम और अन्य सामग्री शासकीय वाहन से गोगांव थाने लाया गया, जहाँ पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। ग्राम सहेजला के खेतों में शराब बनने की सूचना थी। खेतों के किनारे नाले में मुखबिर सूचना थी, तो उस मुखबिर सूचना पर हम लोग फोर्स के साथ में दबिश दिए थे। तो वहाँ पे एक श्याम करके, श्याम तड़वी भील हैं वो, और उसके भाई भतीजे जो उसके मामा वगैरह हैं वो शराब का धंधा करते हैं। हमारे क्षेत्र के कच्ची शराब बेचने के मामले में माफिया लोग हैं, काफ़ी दिनों से शराब का धंधा कर रहे हैं। तो उनकी शराब पकड़ाई है, करीब 150 लीटर 5 ट्यूब में भरी हुई कच्ची शराब और करीब 7-8 ड्रमों में लहान, तो बड़े पैमाने पर शराब की भट्टी चलती हुई पाई गई है। तो उसको पकड़ा है, उसमें श्याम भील मौके से भाग निकला है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ FIR ली है। और जिनके खेतों के बीच में ये शराब बन रही थी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अनुसंधान में, कि उनकी जानकारी में होते हुए भी उन्होंने पुलिस तक खबर नहीं पहुंचाई। इसमें पहले से एक प्रकरण